देख सकते हैं आप मनोज सिन्हा जी जो है इस हॉस्पिटल का दौरा करके निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी कोविड काल में इस तरह के हॉस्पिटल का होना, और अब जायजा लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस तरह से मनोज सिन्हा जी जो है अंतर इसका दौरा करते हुए शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल। ये DRDO की मदद से बनाया गया है और इस 500 बेड में 125 बेड ICU के बेड हैं। और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है, ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ड्राई रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहां पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं। तो सर रिकॉर्ड समय में ये पूरा हुआ है, मैंने 20 डेज में इसको पूरा जी 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 हाँ, हम शुक्रगुजार हैं DRDO के। उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तारी से काम किया और न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी एक 500 बेड का हॉस्पिटल इसी तरीके का उन्होंने वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। कमलेश कुमार, आई एम द डिप्टी चीफ इंजीनियर DRDO। सर जिस प्रकार से हॉस्पिटल बनाया गया है, 500 का बेड हॉस्पिटल है, फुल ऑक्सीजन है, किस तरह पेशेंट को सुविधा होगी और कितनी देर तक जा रहे हैं? देखिए 125 यहाँ पर ICU बेड्स हैं जिनमें वेंटिलेटर सपोर्ट्स अवेलेबल है, और इसके अलावा जो बाकी 375 बेड यहाँ पे बनाए गए हैं सभी में मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। तो जाहिर सी बात है कोविड सिचुएशन में ये अस्पताल लोगों को काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी शांत हैं। अभी 500 बेड का जम्मू में बनाया जा रहा है, एक कश्मीर में बनाया जाएगा। जम्मू वाला तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन कश्मीर वाला कब तक बनकर तैयार होगा? देखिए श्रीनगर में भी हमारी टीम जो है रात दिन इस काम में जुटी हुई है, और हमारी कोशिश है पूरी टीम की कि जल्द से जल्द इसको श्रीनगर की जनता के लिए वहाँ पर डेडिकेटेड किया जाए, और होपफुली एक हफ्ते के अंदर शायद वहाँ पर भी जो है फैसिलिटी बन करके तैयार हो जाएगी। सर मेंटेनेंस के लिए किस तरह से प्रॉपर रखा जाएगा? देखिए वो सारी व्यवस्थाएं हमारे देखिए UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और DRDO की टीम मिलकर के इन सब का ख्याल रखेगी कि हॉस्पिटल प्रॉपरली रन करे, और किसी तरीके की कोई समस्या आने पर वहाँ पर टीम तैनात रहेगी। सर जिस तरह 500 का बेड बनाया गया है, इसमें कितने ICU बेड्स रहेंगे? देखिए टोटल इसमें 125 ICU हैं जिनमें वेंटिलेटर सपोर्ट अवेलेबल है। क्या फुली एयर कंडीशन है? यस, दिस एंटायर फैसिलिटी इज फुली एयर कंडीशन। तो यहाँ पर दोनों हैंगर जो हैं हमारे पूरे 500 बेड एयर कंडीशनिंग के साथ अवेलेबल हैं। सर यहाँ पेशेंट रेफर होंगे या डायरेक्ट भी आ सकते हैं? देखिए ये जो है जहाँ तक है कोविड हॉस्पिटल के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसके तहत हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है उसके थ्रू और डायरेक्ट जिस भी तरीके से मैकेनिज्म सेटअप किया जाएगा जो कि जनता के लिए ज़्यादा लाभदायक हो उस तरीके से उसको करेंगे। चलो